मालूम नहीं पड़ता क्या लिखते हैं। सो खाना क्या खाए, गैस इश्यू मैंने लिखा है, गैस इश्यू। हाँ गैस इश्यू तो बराबर है। दूध बनता है कैसे, हाँ एक तो जवाब दे दिया। प्रेग्नेंट वुमन को क्या खाना, ये जवाब दे दिया। तो खाना क्या खाए वो भी बता दिया, खाना क्या खाए। इंटेस्टाइन वीक हो गया है, इंटेस्टाइन वीक हो गया है, एक ही कोर्स में मल विकल्प नहीं निकलता है। हाँ वीक होगा क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है इससे ज्यादा भारी जब हम देते हैं तो वीक होगा। कोई भी मशीन है, हाँ मानो जो गन्ने का जूस निकालने का मशीन है, ये गन्ने से ज्यादा भारी कुछ डालेंगे हाँ तो वो वीक होगा। मान लो इसमें हम पत्थर पीसते हैं, पत्थर पीसने का भी आता है ना क्रशर, तो इसमें पत्थर पीस सकते हैं लेकिन गन्ने के जूस के मशीन में पत्थर डालेंगे तो वीक होगा ही। ऐसा काम हम करते हैं गलत आहार खा के। हाँ पहले सही चलता था अभी ठीक नहीं चल रहा है, उपका आते रहते हैं। हाँ ये सब कुछ होगा, ये शारीरिक समस्याएं हैं गलत खाना खाने से है। वीकनेस आ सकती है बॉडी का इस आदत से फूड से। ये लगता है आपने सुना नहीं, हाँ ये सारी बातें हमने बता दी है और फिर भी आपको ऐसा लगता है तो हमारी बुक्स है आप पढ़िए। हाँ गन्ना जूस कैसे हेल्प कर सकता है, कोई हेल्प नहीं करता, आपको खुद को हेल्प करो। हाँ न खाना खाके, खाने से कोई फायदा नहीं है, न खाने से फायदा है। उपवास उत्तम है खाना खराब है। जीवनी क्रिया में पानी कितना जाना चाहिए, हाँ इसके लिए कोट दिया है आपको, ये पूरा नहीं जाता है तो जितना जाता है प्रयास करना अपने आप वो पूरा जाएगा। इससे बॉडी में वीकनेस आ सकती है, ताजगी आ जाती है ऐसा सभी का अनुभव है, और वीकनेस आती है तो इंप्यूरिटी की वजह से वीकनेस आती है। जब तक शरीर में इंप्यूरिटी है वीकनेस महसूस करेंगे। मल निकलने से ताकत कम हो जाती है, ओ प्रयोग करके देख लो, हमारे सभी की ताकत बढ़ी है ऐसा सभी का अनुभव है, आप प्रयोग करके देख लो। हेयर फॉल के लिए क्या करें, बस कुछ ना करें। हाँ कुछ ना करना यानी फास्टिंग, ना खाओ ना पियो ना कुछ करो, जो होता है होने दीजिए। हमारा एक सूत्र है, हम कहते हैं डोंट डू एनीथिंग, लेट इट हैपन व्हाटएवर हैपन्स, जो होता है होने दीजिए, सब कुछ सही ही होगा ठीक ही होगा क्योंकि वो भगवान करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है। हमने जो किया इसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। स्ट्रेस की वजह से बीपी और शुगर होता है, वो तो हम कैसे बता सकते हैं, गलत खाना खाने से होता है ऐसा हम मानते हैं। जूस कितने टाइम तक पी सकते हैं, जूस कितने समय तक पी सकते हैं। जूस जो है मैंने आपको बताया था श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 8, जो जूस है जिसको रसाहार कहते हैं, जो सात्विक जनों का भोजन बताया गया है वो लाइफ लॉन्ग पी सकते हैं। हाँ यदि आदत डाले तो, नहीं तो जब तक हमें ठीक लगे। ओके तो अब डॉक्टर साहब को सुनेंगे जी। हाँ जी सवाल जितने भी हमने ले लिए हैं, कल का दिन भी हमारे पास है, जितने सवाल है आप अवश्य पीछे लिख के देना। आओ ना क्या करो, अरस करो बस नहीं करना, हूं डॉक्टर नहीं जाओ।
છોકરાઓ ચલાવે सबसे पहले चौहान साहब धरती पे हरीश भाई का बहुत बहुत शुक्रिया।